सभी बच्चों को मेरा नमस्कार आज क्लास नाइन्थ एन सी आर टी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज वन पॉइंट टू देखिए वन पॉइंट वन एक्सरसाइज हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो उसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं क्या आती हैं होल नंबर क्या होते हैं देखो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है इसलिए हम दोनों वर्ड्स यूज़ करेंगे और बेहतर ये होगा कि आप अपनी बुक खोल के सामने रख लें और क्वेश्चंस आपके सामने होने चाहिए ठीक है उसमें आपको एक तो नेचुरल नंबर बताए गए थे मैं तो हल्का सा बता देता हूँ एक तो बताया था, गया था प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर एंड जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं गिनने वाली संख्याएं वो सब कहलाती है नेचुरल नंबर ठीक है उसके बाद बताया गया था डब्लू होल संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ जो जीरो से स्टार्ट होती हैं है ना इसके बाद आपको बताया गया था पूर्णांक इंटीजर जिसको जेड से लिखते थे आई से भी लिखते हैं कहीं कहीं आई से भी लिखते हैं ये पॉजिटिव संख्याएं भी होती हैं और नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं है ना इसके बाद अभाज्य संख्याएं जिसको कि प्राइम नंबर कहा गया था प्राइम नंबर्स प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी थी जो वन से करती हैं और खुद से करती हैं दो अलग अलग नंबरों से कटती है ध्यान से समझिएगा जो दो अलग अलग नंबरों से कटें कटें मतलब कैंसिल हो कैंसिल हो मतलब डिवाइड किया जा सके एक वन से और एक खुद से ये ध्यान रखिएगा तो जैसे टू है ये अपने आप से कैंसिल होगी या वन से कैंसिल होगी टू वन जा टू वन टू जा टू जैसे थ्री है जैसे फोर है ये प्राइम नहीं हो सकती क्योंकि फोर वन से भी कट जाएगा फोर से भी कट जाएगा और टू से भी कट जाएगा और जैसे फाइव है जैसे सेवन है तो इसको कहा गया प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं ठीक है थीके? हिंदी में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि राइटिंग बड़ी गंदी है इसलिए कम लिख रहे हैं ठीक है थीके? इसके बाद कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएँ कंपोजिट नंबर बताया गया था भाज्य संख्याएँ जो अपने आप से और वन के अलावा किसी और से भी कट जाए जैसे फोर है अपने आप से कटेगा वन से कटेगा और टू से भी कटेगा सिक्स है अपने आप से कटेगा वन से कटेगा और थ्री से भी कटेगा ठीक है एट है अपने आप से कटेगा वन से कटेगा टू से कटेगा फोर से कटेगा तो ये कैसी हैं भाज्य संख्याएं हैं और एक बजाई गई थी सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जो केवल एक से कटे आपस में एक दूसरे किसी और नंबर से ना कटे एक ऐसी दो संख्याओं का एक पेयर एक युग्म एक जोड़ा जैसे मैं कहूं पाँच और छ एक योग एक जोड़ा है एक पेयर है अब ये पाँच और छः को किसी किस नंबर से काट सकते हो केवल वन से काट सकते हो केवल वन से काट सकते हो वन के अलावा किसी नंबर से नहीं कटेगा तो इसलिए यह सह आभा संख्याएं को प्राइम नंबर है को प्राइम का मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों प्राइम होने चाहिए ठीक है और इसके बाद हमने बताया था परिमेय संख्या रेशनल नंबर रेशनल नंबर जिन नंबर्स को p अपान q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां p और q इंटीजर होते हैं ठीक है और q जीरो नहीं होता है तो ये आपका जैसे वन पॉइंट वन है तो इसको ग्यारह बटे दस लिख सकते हो दो है दो बटे एक लिख सकते हो जीरो है जीरो बटे एक लिख सकते हो ये सब रेशनल नंबर्स हैं ठीक है आज हम बात आगे करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या ठीक है ज़रा ध्यान से समझिएगा इसके लिए एट तक की मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मतलब थोड़ा ही ना क्लियर हो ठीक है कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सब कुछ दिमाग से क्लियर वाश आउट हो गया देखिए अब हम आगे एक्सरसाइज वन डिस्कस करने जा रहे हैं उसके पहले कुछ कंसेप्ट समझिएगा सबसे पहले हम बात करेंगे इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर शॉर्ट में लिखते हैं ना अपरिमेय अ परिमेय संख्याएं जिन संख्या देखिए रेशनल नंबर क्या बताएंगे जिन नंबर्स को पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उल्टा कर दीजिए जिन नंबर्स को पी एप क्यू के फार्म में नहीं लिखा जा सकता दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी एप क्यू वे आपकी इरेशनल हो गई जैसे अंडर रूट टू है अब अंडर रूट टू की वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते वन पॉइंट फोर वन फोर टिक टिक बहुत आगे तक निकलेंगी ठीक है जैसे मान लिया पाई है पाई की वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर बहुत सारी आगे तक है मतलब दशमलव तक डेसिमल नंबर्स आएंगे लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे ठीक है जैसे मान लिया हम कह दें वन पॉइंट ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो टू ज़ीरो जीरो और कभी ख़त्म ही ना हो अगर ये ख़त्म हो जाए जैसे वन पॉइंट टू हो जाए तो वन पॉइंट टू में पॉइंट हटाने का तरीका क्या होता है बारह बटे दस हो जाएगा ना ये दोनों कैसी संख्याएँ हैं ये दोनों इंटीजर्स हैं दोनों पूर्णांक हैं तो ये परमे हो जाएगा ये रेशनल हो जाएगा लेकिन ये रेशनल नहीं होगा जो आपकी आ, संख्याओं को पी अपान क्यू के फार्म में नहीं ले सकते हैं दे आर नोन एज इरेशनल नंबर जैसे रूट में जो नंबर है रूड में का नंबर <coughs> मतलब ये नहीं हुआ कि वो अपरिमेय ही होगी इरेशनल ही होगी जैसे मान लिया रूट फोर है तो रूट फोर की वैल्यू निकाल सकते हो ना प्लस माइनस टू भाई प्लस टू का स्क्वायर करोगे तब भी फोर आएगा माइनस टू का स्क्वायर करोगे तब भी फोर आएगा तो रूट फोर आपका इरेशनल नंबर नहीं होगा अब परिमेय संख्या नहीं होगी ठीक है जिन रूट की वैल्यू आप एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते वो इरेशनल नंबर होंगे ठीक है तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें के फार्म में नहीं लिखा जा सकता है ठीक है अब जितने भी नंबर हमने बताए चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल रेशनल हो चाहे प्राइम नंबर हों चाहे कंपोजिट नंबर हों चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे होल हो, हो, नंबर हो इन सबको रियल नंबर कहते हैं तो आगे बात होगी रियल नंबर वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं ठीक है मतलब उसमें सब नंबर आ जाएंगे वन हुआ टू हुआ माइनस वन हुआ वन अपॉइंट टू हुआ अंडर रूट टू हुआ रूट थ्री हुआ ट्वेंटी टू बाई सेवन हुआ सब रियल नंबर्स हैं लेकिन शर्त एक है रूट के अंदर कोई भी माइनस संख्या नहीं होनी चाहिए अगर रूट के अंदर निगेटिव होगी तो वो रियल नंबर नहीं है तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएँ नहीं वास्तव में जो संख्याएं हैं वे कौन सी है? हैं ये सब नंबर्स हैं चाहे जो नंबर हो माइनस में हो प्लस में हो जीरो हो कुछ भी हो शर्त एक है कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए अगर रूट के अंदर निगेटिव है तो वास्तविक संख्या नहीं है ठीक है अब हमने बताई थी संख्या रेखा नंबर लाइन देखिए नंबर लाइन क्या होती है इसको जरा नोट कर लीजिएगा और बुक को सामने खोल के रख लीजिएगा क्योंकि बुक ज़रूरी है बुक से ही सब कुछ मिलेगा देखिए नंबर लाइन का मतलब ये होता है रियल नंबर लाइन जिसमें वास्तविक संख्याएं नोट की जाती तो अभी तक आप जो नंबर लाइन पढ़ते थे ना वो ज़ीरो था वन था टू था थ्री था फोर था माइनस वन था माइनस टू था तो क्या वन और टू के बीच में नंबर नहीं होते है? क्या कोई ऐसी संख्या जो वन से बड़ी हो टू से छोटी हो तो आप कहेंगे वन पॉइंट टू हो सकता है वन पॉइंट टू वन थ्री टू वन जीरो जीरो वन जीरो ज़ीरो वन टिक 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 कोई भी संख्या हो सकती है यानी वो नंबर चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो चाहे वास्तविक हो वास्तविक होनी चाहिए उन सबको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो संख्याएं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होती हैं उनको हम रियल नंबर कहते हैं ठीक है तो आप कहेंगे भाई हमने तो सीखा है कि वन को कैसे करेंगे टू को कैसे करेंगे थ्री को कैसे करेंगे लेकिन ये संख्याएं तो हमने सीखी नहीं कैसे करेंगे तो ये सिखाया जाएगा आपको ठंड रखिए अगली एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा आज अभी हम अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव ये संख्याएं कैसे नंबर लाइन पे होती हैं उन्हें बताने जा रहे हैं देखिए एक्सरसाइज में केवल रूट फाइव है पहले रूट टू देखिए और फिर रूट फाइव देखिए सावधान पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ रिप्रेजेंट अंडरवुड टू रिप्रेजेंट अंडरवुड टू ऑन द नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन अंडरवुड टू को संख्या रेखा पर संख्या रेखा पर निरूपित करो निरूपित करो हम सब में हिंदी नहीं लिखेंगे एक में लिख देते हैं ठीक है संख्या रेखा नंबर लाइन होती है और रूट टू आप जानते हैं इरेशन नंबर है अपरिमेय संख्या है सावधान अब अब आप कहेंगे अभी तो आपने बताया कि रूट टू की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती 1.414 टिक 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 बहुत बड़ी नंबर होती है तो कैसे करेंगे सावधान देखिए आपने एट्थ क्लास में पढ़ा होगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये साइड वन हो जिसको कि हम बेस कहते हैं ये साइड भी वन हो जिसको कि परपेंडिकुलर कहते हैं तो ये साइड निकालने का तरीका क्या था यह कहलाता है हैपटन्यूस तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर स्क्वायर को कहते हैं कर्ण ये संख्या कर्ण है ये संख्या लंब है और ये संख्या आधार है ठीक है अब यहाँ पर उठाकर रख देंगे और हिंदी के लोग भी थोड़ी बहुत इंग्लिश वर्डिंग जाना जरूरी है ठीक है

सबसे पहले तो आप अपना जोमेट्री बॉक्स अपने साथ रखेंगे तभी आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे देखिए हमने क्या किया सबसे पहले एक नंबर लाइन खींची सीधी नंबर लाइन खींची थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है आप सीधी खींच लीजिएगा और यहाँ पर जीरो वन टू थ्री माइनस वन दो तो चार नंबर हमने इसमें डिनोट कर दिया ठीक है जीरो वाले का नाम रखा हमने ए और वन वाले का नाम रखा बी अब बताओ ए बी की लंबाई कितनी होगी ए बी की लेंथ कितनी होगी तो आप कहेंगे वान? वो वन हो, हो, हो. जो भी हो। फिर हम क्या करेंगे बी परपेंडिकुलर खींच देंगे बी पर लंब एक खींच देंगे परपेंडिकुलर खींच देंगे परपेंडिकुलर खींचना आपको सिखाया गया होगा ठीक है कंस्ट्रक्शन में एट्थ क्लास में सिखाया गया होगा अब देखो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये वन है तो ये भी वन होनी चाहिए तो हम क्या करेंगे ए बी की जो लंबाई है उतना हम आर्क ले लेंगे उसमें अपने प्रोटेक्टर में कि कंपास में कंपास में जो जो आपका कंपास को हिंदी में क्या कहते हैं एक चांदा होता है एक, एक प्रकार ठीक है और उसमें से हम बी सी कट कर लेंगे यानी ये लंबाई कितनी होगी ये भी वन हो जाएगी ठीक है तो पहले हमने क्या किया एक नंबर लाइन खींचा जीरो को एक ए नाम दिया वन को बी नाम दिया फिर बी पर एक परपेंडिकुलर खींचा और बी सी वन काट लिया ए बी के बराबर अब हमने ए सी को मिलाया तो एसी की लंबाई कितनी हो जाएगी अंडर गई बात अब जरा देखिए ए सी की जो भी लेंथ होगी वो अंडर तो अगर इसी लंबाई के बराबर इस नंबर लाइन पे लंबाई कट कर लोगे तो वो भी तो लंबाई अंडर तो उसका तरीका क्या होगा देखो ए को सेंटर मानो ए को केंद्र मान लिया आपने ए सी चाप की दूरी ली और एक चाप ऐसे खींच दिया ऐसे एक चाप खींच दिया अब सिंपल सी बात यही कहाँ पे कट करेगा ये डी पे कट करेगा ठीक है जब चाप ऐसे काटोगे दूरी समान होगी ना भाई वो तो रेडियस है ये तो त्रिज्या है ना एक तरीके से रेडियस है तो यानी कि डी ओडी की लंबाई कितनी होगी ओडी की लंबाई वही होगी जो ओसी की लंबाई होगी यानी डी पॉइंट जो होगा यही आपका अंडर रूट टू होगा समझ में आया इस प्रकार से अंडर रूट टू को आप नंबर लाइन पे खींच सकते हैं समझ में आ गई बात ठीक है तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया पहला एग्जाम्पल है कि अंडर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए जो जो हमने बोला कि हमने कैसे कैसे पॉइंट माने हैं वैसे वैसे आपको थ्योरी लिख लेनी है ठीक अब जरा अगला क्वेश्चन आते हैं अगला एग्जाम्पल अगले एग्जाम्पल में हमने कहा कि अंडर रूट थ्री को नंबर लाइन पे करिए तो अंडर लिए थोड़ा दिमाग लगाइए एक साइड आपकी वन हो और एक साइड अंडर वूट टू हो और अगर ये निकालना चाहें तो क्या होगा एच स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर प्लस अंडर टू का स्क्वायर का स्क्वायर वन रूट टू का स्क्वायर टू तो एच स्क्वायर आ जाएगा थ्री तो देखो एच का मान रूट थ्री हो जाएगा यानी एक साइड क्या होनी चाहिए वन और एक साइड क्या होनी चाहिए अंडर वूट टू तो सबसे पहली कंडीशन कि अंडर रूट वू निकालना पड़ेगा तो अंडर रूट टू तो हमने खींच दिया अब ये वाला पार्ट हो गया ना ये पार्ट होने के बाद में अगला डायग्राम बना रहे हैं अब ये पहले हम इधर ये चाप नहीं निकालेंगे ठीक है पहले हम क्या करेंगे कि जीरो को ए मानेंगे इसको बी मानेंगे इस पर हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे बी सी वन के बराबर काट लेंगे वन का मतलब जो लंबाई ये वाली है अगर ये इंच में माना है तो इंच में सेंटीमीटर में माना तो सेंटीमीटर में फिर इसको मिला देंगे ठीक है अब ये रूट टू हो गया अब जरा समझिए एक साइड आपकी रूट टू इसको मानो ये रूट टू है अब आपके रूट टू के परपेंडिकुलर आपको वन चाहिए ये वन मान लो तो आप करेंगे क्या सावधान सी पॉइंट पर एक लाइन खींचेंगे जो OC के परपेंडिकुलर होगा मतलब ये लाइन ऐसे खींची जाएगी ये परपेंडिकुलर है समझ में यही बात परपेंडिकुलर खींचना आता वो मैंने सिखाने जा रहा हूं ठीक है तो ये और इसकी लंबाई वन वन मान लेंगे और इसको मान लेंगे डी अब बताओ ये लंबाई कितनी होगी आप कहेंगे ये लंबाई रूट थ्री होगी अभी हमने कहा एक साइड अंडर रूट टू एक साइड वन अगर हम राइट राइट एंगल ट्रेंगल ले लें लंब त्रिभुज जो होता है ठीक है तो इस ये साइड कितनी आएगी रूट थ्री आएगी नहीं आएगी अब देखो अगर ए को सेंटर मानो और ए डी दूरी ले लो ऐसे ही, रेडियस तो ये रूट थ्री कि नहीं थी है ना रूड थ्री तो अगर ये दूरी लेकर के एक चाप खींच दीजिए ऐसे तो ये दूरी लेकर के एक ऐसे आर खींच दीजिए आप ये जहां कट करेगा वही डी पॉइंट ई पॉइंट होगा यही अंडरवुड थ्री हो गया समझ में आई बात नहीं आई तो इस प्रकार से अंडरवुड थ्री को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये अंडरवुड थ्री को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया ठीक है एक और एग्जाम्पल जो कि एक्सरसाइज में आएगा वो पहले बताए दे रहे हैं ये जब क्वेश्चन पे आएगा तब हम बात करेंगे ठीक है अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं ये दो शायद एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स में लिखे होंगे ठीक है अब एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू आर फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कुछ कथन दिए हुए हैं और आपसे कहा गया कि ये कथन बताओ ये सही है गलत है सही है तो क्यों गलत है तो क्यों ठीक है जस्टिफाई मतलब होता है कि आपको सही और गलत की बात बतानी है पहला पार्ट आपसे कह रहा है तो अगर ध्यान समझिएगा एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर हर एक इरेशनल नंबर हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है यस अभी हम बता चुके हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है इरेशनल नंबर क्या होता है जिसको p अपान q, के फॉर्म में नहीं लिख सकते मतलब आप रूट टू लिख सकते हैं रूट फाइव लिख सकते हैं वन पॉइंट जीरो जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 बहुत सारा कुछ भी लिख दीजिए ये सब कैसी संख्याएं हैं सब रियल नंबर हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं वास्तविक कम नहीं होंगी अगर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए और निगेटिव आएगा तो वो इरेशनल नंबर भी नहीं है ठीक है तो यानी कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है ठीक ये सही बात है सेकेंड पार्ट क्या है देखो यस के केस में आप एक आध एग्जाम्पल लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं जब नो होगा कि भाई आप ये गलत है तब आपको वहाँ आप पर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नो क्यों है ठीक है तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये भाई सही है सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है सेकेंड पार्ट कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन यानी कि नंबर लाइन पर जो पॉइंट आप लिखते हैं ना जैसे जीरो लिखते हैं वन लिखते हैं टू लिखते हैं थ्री लिखते हैं है, फोर लिखते हैं माइनस वन लिखते हैं माइनस टू लिखते हैं और भी तो इसके बीच के नंबर होंगे भाई और टू के बीच बहुत सारे नंबर हो सकते हैं अरबों करोड इज इन नंबर लाइन तो पर प्रत्येक बिंदु रूट एम के में होता है रूट एम के फॉर्म में होता है जहां एम कह रहे हैं ये प्राकृतिक संख्या है मतलब भाई देखिए जैसे आप टू की बात करें रूट रूट टू की बात करें तो रूट टू का नक्ट कहीं ना कहीं पॉइंट यह होगा ना नहीं होगा रूट टू की बात करें तो यहाँ कोई ना कोई वन पॉइंट फोर वन फोर टिक 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 कहीं ना कहीं पॉइंट होगा तो वो जो पॉइंट है वो क्या है रूट टू है लेकिन निगेटिव नंबर का अगर रूट हम करते हैं चूंकि निगेटिव नंबर भी तो यहाँ है अगर निगेटिव नंबर का रूट करते हैं तो इस नंबर लाइन पर नहीं होता है क्योंकि ये कैसी संख्याएँ होती हैं ये संख्याएं इमेजनरी होती हैं यानी काल्पनिक संख्याएं होती हैं काल्पनिक संख्याएं होती हैं इसके लिए आप कहेंगे ये बात फॉल्स है ये बात सही नहीं है गलत है क्यों क्योंकि आप कहेंगे कि रूट के अंदर जो नेगेटिव संख्या अगर आ जाएगी जा 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 तो वो संख्या इस नंबर लाइन पे कहीं पर भी नहीं होगी ठीक है तो दिस इज सेकेंड पार्ट दिस इज सेकेंड पार्ट हो गया थर्ड पार्ट कहता है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल हर रियल नंबर इरेशनल होता है देखिए ध्यान से हर रियल नंबर इरेशनल होता है क्या मतलब है थोड़ा दिमाग से लगाइएगा एक तरफ कहते हैं रियल नंबर और कहते हैं अगर रियल नंबर है रियल मतलब वास्तविक संख्या एक तरफ कहते हैं वास्तविक संख्या और कहते हैं संख्या कैसी होती है इरेशनल होती है यानी कि रेशनल मतलब अपरिमेय होती है अपरिमेय होती है नहीं भाई ऐसा नहीं है क्यों भाई जो रेशनल नंबर होते हैं जैसे मैं यहां पर कर दूँ टू अपान थ्री तो ये रेशनल नंबर है ना प्राकृतिक भी है तो टू अपान थ्री रियल भी है और रेशनल है रेशनल है मतलब ये वास्तविक भी है राइटिंग थोड़ा गंदी है देख लीजिएगा और ये परिमेय भी है तो ऐसा नहीं है कि हर रियल नंबर इरेशनल होगा बहुत सारे रियल नंबर हैं जो रेशनल नंबर भी होते हैं तो ये जो बात कही गई है ये फॉल्स है ये बात सही नहीं है अब आप कहेंगे क्यों भाई अंडर रूट टू रियल नंबर है और इरेशनल भी है बात तो सही है देखिए जब कोई बात कही जाती है ना तो हर जगह सही होनी चाहिए ऑलवेज टू वाली बात आती है ये ऑलवेज टू नहीं है ठीक है तो ये आपका जो थर्ड पार्ट है वो फॉल्स है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर वन ऑल थ्री पार्ट्स पहला अब इसमें पहला ट्रू अगला फ़ाल्स फ़ाल्स ट्रू फाल्स फ़ाल्स मत याद कर लेना ठीक है समझ के लिखिएगा जहां पर वो बात नहीं है वहां पर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर इफ नॉट गिव एन ऑफ द स्क्वायर रूट एंड अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर फिर समझिएगा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर इरेशनल। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल इरेशनल होता है समझिएगा अभी मैं कह रहा था कि रूट टू ये इरेशनल है अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं अपरमी है क्यों क्योंकि रूट टू की पूरी पूरी वैल्यू नहीं निकल सकती 1.414 पॉइंट में आगे बढ़ते चले जाओ लेकिन फाइनल आंसर आपका नहीं मिलेगा कि जहां पर रुक जाए आंसर तो कहते हैं क्या स्क्वायर रूट जितने भी होते हैं सभी रश्म होते हैं नो नो क्यों क्योंकि आंसर में लिखा है नो no. हमने पहले आंसर देख लिया था अरे भाई नहीं ऐसा नहीं है अगर आप कोई ऐसा नंबर ले लो जिसका वर्गमूल जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा मालूम है जी मालूम है अगर फोर की बात करें ना तो फोर का स्क्वायर रूट क्या होता है टू होता है प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है हट गया रूट अगर रूट सिक्सटीन की बात करें तो सिक्सटीन का क्या होता है फोर होता है प्लस भी होता है माइनस भी होता है तो देखिए स्क्वायर रूट हट गया ना और स्क्वायर रूट हटने मतलब कैसा नंबर हो गया रेशनल हो गया भाई यहाँ टू की बात करें तो टू एक इंटीजर है टू एक पूर्णांक है माइनस टू भी इंटीजर है इसको अपान वन लिख सकते हैं तो देखिए रेशनल हो गया तो यानी हर स्क्वायर रूट हर वर्गमूल की संख्या इरेशनल नहीं होगी अब जो है अपरमी नहीं होगी परमी भी हो सकती है रेशनल भी हो सकती है ठीक है तो ये आपका गलत आंसर है ठीक है थर्ड पार्ट कह रहा है कि रूट फाइव को नंबर लाइन पे करो अभी हम रूट टू और रूट थ्री को कर चुके हैं रूट फाइव को जानबूझ के वहां नहीं किया था क्योंकि रूट फाइव आगे आने वाला था देखो रूट फाइव को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं सावधान पहले दो संख्या एक परपेंडिकुलर वाला राइट एंगल ट्रेंगल बना त्रिभुज बनाओ और ऐसी दो साइड लाओ जिसका स्क्वायर रूट करने पर फाइव आ जाए देखो एक साइड टू मान लो एक साइड वन मान लो ये साइड एच कहलाती है और पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है एच स्क्त टू, टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और टू का स्क्वायर फोर वन का स्क्वायर वन ये फाइव आ गया एच का मान रूट फाइव आ गया यानी नंबर लाइन जो अभी आपने बनाई थी जिसमें एक साइड वन ली थी तो एक साइड को टू ले लो एक साइड को वन ले लो बस हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे आप आप कहेंगे भाई ये नंबर लाइन हमने खींची पहले ठीक जो जैसा आप करेंगे वैसा लिखते जाएंगे नंबर लाइन ध्यान रखिएगा दोनों तरफ एरो बनते हैं ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये माइनस वन है जीरो को ए माना और ये साइड कितनी लेंगे टू और टू पॉइंट को हमने बी माना है ना यानी ये पूरी लंबाई कितनी हो गई टू ठीक है इसके बाद टू पर हमने परपेंडिकुलर बनाते हुए एक लाइन खींचा लंब ठीक ये लंबाई कितनी काटनी है वन तो इसकी लंबाई नाप लो जो आपका प्रोटेक्टर है उसकी लंबाई नाप लो कि कंपास है कंपास है उससे नाप लो और इसमें बी सी वन काट लो ठीक तो जब हम ओ सी में लाएंगे तो ओसी की लंबाई कितनी होगी अंडर रूट फाइव हो जाएगी निकल आई ये रूट फाइव निकली है ना अभी देखो यहाँ से अब आप क्या करेंगे ओ को सेंटर मानो और ओसी रेडियस लेके एक आर्क खींच दो जब आर्क खींचोगे ना तो आर्क ऐसे कहीं आएगा और जहां पे कट करेगा ना वो पॉइंट क्या होगा रूट फाइव होगा तो इस प्रकार से रूट फाइव को नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है तो दे क्वेश्चन नंबर फोर थर्ड है सॉरी थर्ड है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है इसीलिए हम हिंदी में भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं किताब सामने होगा समझ में आ जाएगा एक क्वेश्चन दिया है थोड़ा सा क्लासरूम एक्टिविटी है तो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पायरल कक्षा के लिए वर्गमूल सर्पिल की रचना करिए वर्गमूल सर्पिल का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट वन अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री सॉरी अंडर रूट वन तो वह ही होता है अंडर रूट वो अंडर रूट व्री अंडर रूट फाइव अंडर रूट सिक्स इस प्रकार से कैसे निकालेंगे आप सावधान आप क्या करिए एक नंबर लाइन खींच लीजिए खींच लिया ये जीरो ये वन ये टू थोड़ा दूर दूर बनाएंगे तो साफ साफ ये वैल्यू आएगी ठीक है आप जीरो को ए मान लो वन को बी मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींचो तो और यहाँ पे वन काट लो तो ये संख्या कितनी आ जाएगी ये अंडर रूट टू हो जाएगी वन या रूट टू अब रूट टू की लंबाई नाप करके यार खींचोगे जहाँ कट गएगा रूट टू मिल जाएगा अब रूट टू पे एक परपेंडिकुलर खींचो यहाँ पे वन काट लो अब देखो एक साइड रूट और उस पर परपेंडिकुलर वन एक साइड रूट टू उस परपेंडिकुलर वन और अगर एच निकालोगे तो कितना निकलेगा रूट थ्री इसको मिला दो तो क्या मिल जाएगा रूट थ्री मिल जाएगा मिल गया रूट थ्री आप क्या करोगे और रूट थ्री पे खींच दो परपेंडिकुलर इस पर इस पर वन काट लो एक साइड रूट थ्री और एक साइड वन कितना हो जाएगा रूट फोर ये रूट फोर आ गया ठीक इस प्रकार से मिलाते रूट फोर बोले तो टू इस पर खींच दो परपेंडिकुलर ये वन काट दो तो ये कितना आएगा रूट फाइव इस प्रकार से हम सभी रूट निकाल सकते हैं ये आपका स्क्वायर रूट स्पायरल कहलाता है ठीक है, है तो ये चार क्वेश्चन हैं इन्हें कर लीजिएगा हिंदी इंग्लिश मीडियम सबके लिए ये है किताब सामने होगी समझ में आएगा नहीं होगी कुछ समझ में नहीं आएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो नमस्कार